हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बंध का। तो हाइड्रोजन बंध होता क्या है, इसके लिए आपका पीडीएफ अवेलेबल है। तो लिख रखा है इसमें H2O द्रव है क्योंकि H2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आपको अगर परिभाषा लिखनी तो आप यहाँ से लिखेंगे जहाँ से लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फोन फोन में आपका होता है FON, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 4.0। उसके बाद आता है ऑक्सीजन जिसकी होती है 3 के समथिंग, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन 2.5 के आसपास। तो परमाणु से जुड़ा होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु फोन में से एफ या ओ या एन में से किसी के भी साथ जुड़ा होता है तो वो आपका हाइड्रोजन बनाता है। तो इसमें साझे का इलेक्ट्रॉनिक दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित न होकर हल्का सा अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं की ओर विस्थापित होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे आ जाता है आंशिक धनावेश डेल्टा पॉजिटिव तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे आ जाता है आंशिक ऋणावेश। इस बंध को हम बिंदुदार रेखा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं डैश डैश एस से। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और दूसरा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध में आपका जो हाइड्रोजन बंध होता है वो अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है, इसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 एटसेट्रा। तो ये दिखा रखा है आपको HF के बीच में, तो H सिंगल बॉन्ड F, H पे आगे डेल्टा पॉजिटिव, F पे आगे डेल्टा नेगेटिव, उसके बाद फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले रखा है HF का, H पे डेल्टा पॉजिटिव, F पे डेल्टा नेगेटिव। इस तरीके से इनके बीच में हमने बिंदुदार रेखा दिखा रखी है, जिसका मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन बंध। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं आगे। तो ये आप उसके बाद दिखा रखा है H2O के अंदर, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका किस तरह से होता है, इस तरह से दिखा रखा है। आपका ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा डबल नेगेटिव, ये एक नेगेटिव लिख रखा है गलती से, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास, तो H2O के अंदर इस तरह से होता है। दूसरे नंबर का कोशिश करते हैं, दूसरे में आपका नंबर आता है इंटरमोलिकुलर, एक ही मोलिकुल के अंदर जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य बनता है तो इसे अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका बेंजीनिंग है, उसके पास OH और नाइट्रो NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में जाके एक बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित कर रखा है, यह हाइड्रोजन बंध होता है। तो हाइड्रोजन आपका बंध होता है क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु F या O या N से जुड़ता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये आपका दो प्रकार का होता है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते, आपका वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।